अब तक हम दो ईस्ट इंडिया कंपनियों के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, इंग्लिश या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इन दोनों को देखकर कुछ साल में एक और ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर खड़ी हो गई 1616 में। तो आज हम बात करेंगे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जिस पर पायरेट्स और पायरेसी को बढ़ावा देने का इल्जाम है। ये तब की बात है जब डेनमार्क और नॉर्वे एक हुआ करते थे। लगभग 300 साल तक दोनों साथ में ही रहे। इस दौरान वहां के महान राजाओं में से एक क्रिश्चियन चतुर्थ ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने का आदेश दिया 1616 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क के राजा के झंडे के नीचे बनी तो, लेकिन उसमें कुछ डच लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इसका इरादा इंडीज, चीन और जापान से व्यापार का था, जिस पर इसे सम्राट द्वारा एकाधिकार दिया गया था। तो 1618 में इसका पहला मुख्य जहाजी बेड़ा डेनमार्क से चल दिया और अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होता हुआ श्रीलंका पहुंचा, जिसे तब यूरोपियन लोग सीलोन कहते थे। श्रीलंका के कैंडी के राजा से समझौता हो गया था और त्रिंकोमाली कंपनी को दे दिया गया। और इसके बाद ये कंपनी भारत की सरजमीन पर पहुंची, आज के तमिलनाडु में। उस समय इस जगह पर तंजौर के नायक राजा राज करते थे। तंजौर नायकों से कंपनी को मिला उनका सबसे कीमती उपनिवेश, जो कहलाता था तरंगम बंधी, जिसे डेनिश लोगों ने कहा त्रांकेबार, और यहां एक समुद्री किला भी बनाया, एक कैसल डेंसबर्ग। त्रांकेबार डेनिश इंडिया की राजधानी रहने वाला था। त्रांकेबार के अलावा कंपनी ने भारत में मछलीपट्टनम, पिपली, बलासोर और इंडोनेशिया में मकासर और बतावियों में फैक्ट्रियां खोली। इस दौरान 1639 में त्रिंकोमाली पर डच लोगों ने कब्जा कर लिया। डच और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनियों के आगे ये बहुत ही दीनहीन कंपनी साबित हुई। इस कंपनी के बारे में एक विचित्र बात यह है कि इसके पास माल लाने और ले जाने के लिए बहुत ही कम जहाज थे, तो ये क्या और कितना व्यापार कर पाते। कंपनी के पास पूंजी भी बहुत कम थी, और आप समझ ही सकते हैं जहां एकाधिकार की बात हो और पहले से फलते फूलते अंग्रेज, डच और पुर्तगाली व्यापारियों का बोलबाला हो, कभी भी समुद्र में होने वाली लड़ाइयों के लिए तैयार रहना हो, समुद्री किले बनाने हो, सिपाही रखने हो, हथियार खरीदने हो, हथियार रखने हो, ऐसे में पैसे नहीं हुए तो कैसे काम चलेगा। एक और विचित्र बात, इस कंपनी ने मुगलों से युद्ध किया। इसका मुगलों से संघर्ष चलता रहा। कंपनी बनने के 26 साल बाद ही 1642 में मुगलों से इसकी बंगाल की खाड़ी में झड़पें होने लगी। इस समय शाहजहां मुगल सम्राट था। ये लुका छिपी की लड़ाई लगभग 50 साल चलने वाली थी। कंपनी सम्राट क्रिश्चियन चौथे की छत्रछाया में बनी थी। जैसे ही 1648 में उसकी मृत्यु हुई, कंपनी का दुर्भाग्य गहराता गया और 2 साल में ही 1650 में उसे बंद कर दिया गया। सबसे विचित्र बात, कंपनी तो खत्म हो गई, उसके सारे उपनिवेश डच ईस्ट इंडिया कंपनी के शिकार हो गए, सिवाय एक के, त्रंकेबार। अगले लगभग 20 साल तक ये किले बंद छावनी टिकी रहेगी, इस बात से बेखबर कि वहां नॉर्वे डेनमार्क में क्या हो रहा है। इन करीबन 20 सालों के समय में उन्होंने हर मुसीबत का सामना किया और उसे पार किया। तंजौर के नायकों ने घेराबंदियां की और उठाई, साथ में अंग्रेजों और खास करके डच व्यापारियों से खतरा भी था। कहीं से कोई मदद नहीं आने वाली थी। गरीबी में आटा गीला ये कि मुगलों को भी दुश्मन बना लिया था। गनीमत बस इतनी थी कि मुगलों के साम्राज्य से त्रांकेबार की दूरी काफी ज्यादा थी, और वही दूरी काम भी आई। फिर 1669 में डेनमार्क के जहाजों ने भारत में वापसी की और अब ये दूसरी कंपनी बन गई। अभी भी इनकी मुगलों से झड़प चल ही रही थी। तो 1670 में फिर से ये कंपनी बनी, दूसरी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि लगभग 50 साल तक चलती रही। इस दौरान उसने 1698 में मुगलों से झगड़ा बंद कर दिया, क्योंकि तब तक औरंगजेब के दक्षिण पे हमले से तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुगलों के हाथ में आ गया था, जिसमें त्रंकेबार भी था। मजबूरन झगड़ा बंद करना पड़ा होगा। दूसरी बात, बंगाल में फैक्ट्री खोलनी थी, जो मुगलों के हाथ में ही था। तो बंगाल में गोंडलपाड़ा में फैक्ट्री खोली, लेकिन 15 साल बाद बंद भी करनी पड़ी। इसके अलावा एडावातुरा में, जिसे ये लोग एडोवा कहते थे, वहां भी एक फैक्ट्री खोली, लेकिन लगभग 25 साल के बाद बंद करनी पड़ी।
अन्य यूरोपियन देशों की तरह, खास करके पुर्तगाल और स्पेन की तरह, कंपनी के मार्फत भारत में डेनमार्क नॉर्वे का ईसाई मिशन आया, जिसे त्रंकेबार मिशन कहते हैं, आज जिसका केंद्र तिरुचिरापल्ली में है। ऐसा आमतौर पर माना जाता है कि ये भारत में आने वाला पहला प्रोटेस्टेंट मिशन था। जब भारत में ईसाईयत की बात करेंगे तब इस पर चर्चा भी करेंगे। 1730 में इस दूसरी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कायाकल्प किया गया और नाम बदलकर एशियाटिक कंपनी रखा गया। काम वही, नाम अलग। इसे 40 साल का व्यापार का एकाधिकार दिया गया था, मतलब 1770 तक एकाधिकार। तो भारत के अलावा इसने अपना एक अड्डा चीन के कैंटन में खोला। ये वही जगह है जहां से चीन का यूरोप से व्यापार चलता था। इसी के आसपास अंग्रेजों ने हांगकांग बसाया और पुर्तगालियों ने मकाऊ। इसके अलावा कंपनी ने कोलाचल में भी फैक्ट्री खोली। डेनमार्क के लिए एक बस किस्मत की बात यह थी कि 1741 में त्रवणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कोलाचल के युद्ध में बुरी तरह से हराकर मालाबार में कमजोर कर डाला था। प्लासी की लड़ाई से लगभग 2 साल पहले 1755 में कोलकाता के पास डेनमार्क ने श्रीरामपुर में उपनिवेश बसाया, जिसे नाम दिया गया फ्रेडरिक्स नगर। और लगभग इसी समय कंपनी ने निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार कर लिया। इसको कहा गया फ्रेडरिक्स द्वीप। निकोबार पर आबादी बसाने के प्रयास विफल रहे। आगे चलकर ऑस्ट्रिया और इटली ने भी निकोबार को डेनमार्क से लेने की कोशिश की, लेकिन यह सौदा कभी प्रकट नहीं हुआ। निकोबार का इस्तेमाल डेनमार्क खेती के लिए करने वाला था। वो यहां पे गरम मसाले, गन्ना, कॉफी और कपास की खेती करने वाला था। उसका यह सपना कभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि निकोबार में साधारण मनुष्य का जीना आसान नहीं था। शायद इसीलिए अंग्रेजों ने आगे चलकर अंडमान निकोबार को काला पानी की सजा के लिए रखा। कंपनी ने निकोबार के साथ साथ अंडमान पर भी पैर जमाने की कोशिश की, जो कि बुरी तरह से नाकामयाब रही। ये डेनमार्क की भारी बदकिस्मती थी क्योंकि आगे चलकर अंग्रेजों ने अंडमान पर अधिकार कर लिया। 1750 और 1770 के बीच कंपनी ने निकोबार और श्रीरामपुर के अलावा कालीकट और बालासोर में भी फैक्ट्रियां खोली। आप देख सकते हैं कि बालासोर में दोबारा फैक्ट्री खोली गई। व्यापार की खास खास चीजें थी गरम मसाले, कपास, रेशम, चाय, जिसे ब्रिटेन में चोरी से पहुंचाने के लिए कंपनी बदनाम थी, शक्कर और सॉल्ट पीटर, जिससे बारूद बनता था। 1772 में एकाधिकार का लाइसेंस खत्म हो गया। फिर उसके कुछ साल बाद डेनमार्क के भारतीय उपनिवेश डेनमार्क नॉर्वे के सरकारी हाथों में चले गए। अब कंपनी केवल व्यापार कर सकती थी, वो भी एकाधिकार के बिना। 1814 में डेनमार्क और नॉर्वे अलग हो गए और अब ये उपनिवेश केवल डेनमार्क के ही रह गए। 1804 से 1815 के बीच में नेपोलियन बोनापार्ट से चलने वाले युद्धों के दौरान अंग्रेजों ने जहाजी बेड़ों पर हमले किए और आखिर में कंपनी का भारतीय व्यापार तबाह होकर रह गया। आखिर 1845 में डेनमार्क ने श्रीरामपुर और त्रांकेबार के उपनिवेश अंग्रेजों को बेच दिए। इस पूरे 225 साल के भाग्य दुर्भाग्य के खेल में केवल एक त्रांकेबार ही था जो हमेशा डेनमार्क का रहा। और आखिर में 1868 में निकोबार अंग्रेजों को बेच दिया गया। इस तरह से डेनमार्क की उपनिवेशी सत्ता का भारत में अंत हो गया। ये पूरी कहानी व्यापार से ज्यादा दुर्भाग्य की थी। व्यापार कम हुआ, घटनाएं ज्यादा हुई। उपनिवेशी झगड़ा, जहाजों का टूटना फूटना, पायरेट्स और छापामारी वगैरह। ये कंपनी चली इसलिए क्योंकि इसको दुश्मन की हैसियत का कभी समझा ही नहीं गया। आने वाले वीडियोस के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।